हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज मैं आपको बताऊंगी बहुत ही प्यारा क्रोशिए का डिज़ाइन बनाना। तो देखिए, मैं इस तरह से एक फंदे की डोरी बना लूँगी। मैं उतनी डोरी बनाऊँगी जितनी मुझे चाहिए होगी। देखिए, मैंने इतनी डोरी बना ली है। अब डोरी बनाने के बाद मैं ऊपर इस तरह से हर फंदे में डिज़ाइंस बनाऊंगी। मैं गिनकर 8 बार इधर बनाऊंगी। आठ बार गिनकर मैंने इस तरह ये बना ली है, देखिए। और उसके बाद मैं इस तरह से बीच में एक बनाने के बाद, दो फंदे वो करने के बाद में उसी जगह से धागे को निकालूंगी जिसमें से पहले निकाला था। इस तरह से देखिए, और फिर 8 बार हर फंदे से ये फंदे बनाती चली जाऊंगी। देखिए, मैंने 8 फंदे उधर बनाए थे, 8 ही गिनकर इधर बना लूंगी। उसके बाद मैं दो फंदे छोड़कर इस तरह से फंदा बनाऊंगी। दो फंदे छोड़कर एक फंदा बनाऊंगी मैं। दो फंदे छोड़कर देखिए, थोड़ी थोड़ी दूरी पर मैं फंदे बनाऊंगी। इस तरह से मैं देखिए 5 बार फंदे बनाऊंगी। एक, दो, तीन, चार, पांच करके देखिए, मैंने ये पहले 8 इधर बनाए, फिर बीच में डिज़ाइन बनाए, फिर 8, और फिर ये 5 इस तरह से बना लिए दो फंदे छोड़कर। और फिर मैं 8 फंदे इधर भी बना लूँगी उसी तरह से। Gracias.
अब ये शुरू होने के बाद देखिए दूसरी डिज़ाइन जब हम ऊपर शुरू करेंगे तो देखिए इस तरह से बीच से फंदा निकाल कर बनाएंगे ऊपर का डिज़ाइन। हर फंदे से हम उस डिज़ाइन के बीच से ही निकालेंगे फंदे को। जितनी बार हमने पहले बनाया था 8 बार उतनी ही बार बनाएंगे। और जो ये बीच का डिज़ाइन बनाया था इसे हम ऊपर से इस तरह से लेंगे। इस तरह से बनाएंगे और दो फंदे लेंगे, एक दो, उसके बाद फिर ले लेंगे और उसके बाद हम फिर उसी तरह से अंदर की तरफ से देखिए। तो देखिए फ्रेंड्स ये मैंने डिज़ाइन बीच का उसी तरह से बना लिया, फिर ये 8 इधर की तरफ उसी तरह से बना लिए। और देखिए जो बीच के मैंने फंदे बनाए थे उसमें देखिए मैं इस तरह से डिज़ाइन बनाऊंगी। इस तरह से मैंने 2 बार फंदा लिया और फिर देखिए यहाँ से मैं इस तरह से फंदा निकालूंगी। फिर यहाँ से मैं 3 बार फंदा निकालूंगी इस तरह से, देखिए एक एक दो तीन फिर यहाँ से मैं 3 बार निकालूंगी फंदे को और फिर उसी जगह से इस तरह से निकाल लूँगी। फिर देखिए मैं उसी तरह से वहीं से फंदे को इस तरह से बना के इस तरह से निकालूंगी। एक दो तीन और फिर उसी तरह से फंदा बना लूंगी। फिर उसके बाद मैं फंदा बना लूंगी 4 बार, फिर उसी जगह से उस फंदे को फिर लूंगी इस तरह से। फिर इस फंदे को मैं लेके फिर दूसरे आगे के फंदे को निकालूंगी मैं। आगे के फंदे को लूंगी मैं इस तरह से, फिर उसी के ऊपर इस तरह से ढीला करके फिर मैं 3 बार फंदा निकालूंगी। फिर 3 बार फंदा निकाल करके फिर मैं एक बार में उसे निकाल लूंगी इस तरह से। फिर उसके ऊपर मैं एक फंदे की डोरी बना लूंगी इस तरह से 4 बार, एक दो तीन चार। फिर उसी जगह से इस तरह से फंदा लेकर इस तरह से डिज़ाइन बना लूंगी। फिर मैं आगे की तरफ इस तरह से लूंगी। फिर मैं उसके ऊपर से इस तरह से डिज़ाइन बना लूंगी। इस तरह से देखिए हमारा डिज़ाइन बनकर तैयार हो गया है आगे का। जो आगे के हमने 8 फंदे लिए हैं उनसे भी हम उसी तरह से धागा
निकाल लेंगे डिज़ाइन के अंदर से बनाएंगे बुनाई। देखिए हम आगे से आगे के फंदे भी हम सारे उसी तरह से बना लेंगे जैसे हमने पहले बनाए थे। और देखिए दूसरे कलर की हमने धागे को जोड़ लिया है क्योंकि हम ये दो कलर के रंगों से डिज़ाइन बना रहे हैं। तो देखिए पहले हमने दो फंदे सादा लिए, फिर उसके बाद आगे की बुनाई से उसी तरह से अंदर से निकालेंगे डिज़ाइन को। और हमने पहले जो 8 बार फंदे बनाए थे तो उसी तरह से 8 बार ही अंदर की तरफ से निकाल कर इस तरह से फंदे बनाते चले जाएंगे। और हमने जो बीच में बनाया था फंदा उसको भी हम उसी तरह से बनाएंगे। पहले गिनकर हम 8 बार इधर किनारे पे बना लेंगे, फिर उसके बाद जो बीच का फंदा है डिज़ाइन का उसमें देखिए हम उसी तरह से ऊपर से डिज़ाइन बनाएंगे। और दो फंदे सादा लेने के बाद देखिए ऊपर से बनाएंगे डिज़ाइन इस तरह से। और दो फंदे सादा लेंगे एक दो करके, फिर उसी जगह से दूसरा फंदा बनाएंगे इस तरह से। और जो आगे के फंदे हैं उनको हम फिर उसी तरह से अंदर की तरफ से निकाल कर डिज़ाइन को बनाएंगे। जितने फंदों को हमने पहले बनाया था उतने ही हम आगे बनाते चले जाएंगे। देखिए देखने में ये इस तरह से लगेगा। हमने गिनकर 8 बार डिज़ाइन बना लिया है। अब जो हमने फ्लावर बीच में बनाया था उसके देखिए जो पीछे हमने बनाए थे 4 उसमें से हम इस तरह से फंदा निकालेंगे पीछे की तरफ से करके। देखिए जैसे पीछे के फंदे लिए थे उसी तरह से हम इनको इस तरह से पीछे से इस तरह से फंदा निकालेंगे। देखिए इस तरह से डिज़ाइन बनाएंगे हम। इस तरह से चार जो डिज़ाइंस हैं उसमें से 4 बार निकाल लेंगे इस तरह से। देखिए जो देखने में हमारा इस तरह से लगेगा। देखिए आगे की तरफ से और जो आगे के फंदे हैं जैसे हमने पीछे बुने थे उसी तरह से अंदर की तरफ से निकाल कर हम इस तरह से सारे फंदे बुन लेंगे।
हमने पीछे की तरफ 8 बार बुना था और बीच में डिज़ाइन बनाया था दो फंदों का, उसी तरह से इस तरफ मैंने 8 बार इधर डिज़ाइन बनाया है और 8 उधर बनाए हैं। तो देखिए ये हमारा कितना प्यारा डिज़ाइन लग रहा है बनकर। इसी तरह से हम दोबारा ऊपर का डिज़ाइन तैयार करेंगे, जैसा हमने नीचे बनाया उसी तरह से। हम गिनकर 8 फंदे ही बनाएंगे, ना कम ना ज़्यादा, जिससे हमारा डिज़ाइन अपने सेप में चलता रहे। और ये बीच का देखिए, आने पर हम बीच से इस तरह से निकाल कर और बीच में ये 2 बार फंदा लेने के बाद फिर उसी जगह से उसी तरह से डिज़ाइन बना देंगे और फिर आगे के फंदे उसी तरह से बुन लेंगे। देखिए हमारा डिज़ाइन तैयार है, जो देखने में कितना प्यारा लग रहा है दो कलरों का। और फिर हम इस फ्लावर को बनाएंगे, जो हमने पीछे की तरफ ये फंदे लिए थे उसी पर हम देखिए इस तरह से फंदा बनाएंगे। देखिए इस तरह से फंदा बनाएंगे, फिर इसके ऊपर फ्लावर वाला डिज़ाइन बनाएंगे इस तरह से ढीला करके, और फिर हम 3 बार 1, 2, 3 और फिर इसके बाद हम एक साथ 3 और इसके बाद हम एक साथ 3 फंदे का 1 बनाकर इस तरह से, और 4 बार सादा फंदा लेने के बाद उसी जगह से निकाल लेंगे। और फिर आगे का डिज़ाइन उसी तरह से आगे की जगह पे आगे वाले फंदे से देखिए इस तरह से निकालेंगे। फिर फंदे को ढीला करके हम उसी तरह से 3 बार फंदा लेंगे और 3 का 1 बना लेंगे। फिर उसके बाद हम 4 बार सादा फंदा लेंगे और उसी जगह से सादा फंदा निकाल लेंगे। देखिए हमारा ये फ्लावर बनकर दूसरा भी तैयार है, जो देखने में कितना प्यारा लग रहा है। इसी तरह से हम आगे का डिज़ाइन जो पहले बनाया था उसी तरह से बनाते हुए चले जाएंगे।
तो देखिए फ्रेंड कितना प्यारा लग रहा है मेरा डिज़ाइन। इसी तरह से हम ऊपर एक करके एक दोनों का कलर बनाते चले जाएंगे, जो देखने में बहुत प्यारा लगेगा। देखिए फ्रेंड्स कितना प्यारा डिज़ाइन बन के तैयार हो रहा है मेरा, और मैंने ये इतना बनाकर आपको दिखाया है। ये चाहे तो आप अपने किसी कार्डिगन में बनाइए, किसी स्वेटर में बनाइए, चाहे इसकी कैप या स्कार्फ बनाइए। तो अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आया हो तो किसी भी चीज़ में बना सकते हो आप, एक कलर या दो कलर। ये दो कलर में बहुत प्यारा लगेगा डिज़ाइन, मैंने दो कलर का बनाकर आपको दिखाया है। और आपको जितना चाहिए हो उतना बड़ा बनाइए। तो अगर आपको पसंद आया हो मेरा ये डिज़ाइन तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।